प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। हम आज बात करने वाले हैं रेशियो का, ऐसा कंसेप्ट का जिसको तो लगभग विद्यार्थी जानते ही हैं, लेकिन इसका यूज जो है, चाहे लाभ हानि की बात करें या एज प्रोन की बात करें या रेशियो की बात करें, कहीं ना कहीं संकोच होने लगता है। अतः इसको हम बेसिक से हम सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से। अतः समझने के लिए अंत तक आप बने रहिएगा। हम सिंपल क्वेश्चन इसका हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। ये कहता है ए और बी के आय का अनुपात, पहले समझ लीजिए बढ़िया से। ये कहता है ए और बी के आय का अनुपात है 5:3। यदि प्रत्येक की आय में क्रमशः 500 और 1000 रुपया का वृद्धि किया जाता है, यानी इसके आय में 500 रुपया और इसके आय में कहता है 1000 रुपया का वृद्धि जब कर दी जाती है, तो यह अनुपात बदलकर हो जाता है 11:8। तो ए की आय क्या है? ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत झटके में 3 से गुना करके हम लोग बना लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी अंतर देखने लगते हैं, दोनों में समान वृद्धि है या नहीं ये देखने लगते हैं, दोनों में समान कमी है या नहीं ये देखने लगते हैं, और बहुत तरह के लाभ हानि में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। अतः अंत तक आप बने रहिएगा, पहले इसको बेसिक से समझते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम बेसिक तरीका से बनाना चाहें तो बनाने का तरीका है कि माना ए का आय बराबर 5x और बी का आय बराबर 3x, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि इस तरीका से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि यहीं से यह ट्रिक निकल कर सामने आया है, अतः इसको देखना बहुत जरूरी है। माना ए का आय बराबर 5x और बी का आय बराबर 3x। ए की आय में कहता है कि 500 रुपया का वृद्धि और बी की आय में कहता है कि 1000 रुपया का वृद्धि हो जाती है, तो यह अनुपात हो जाता है 11:8, यानी कि 11/8। इसको हल करने के लिए 3 से गुना करिएगा आप, बिल्कुल। तो कहिएगा 8×5=40x प्लस का कहिएगा 8×5=40 यानी कि 4000 बराबर 11×3=33x बराबर 11×3=33x प्लस 11000, यही ना कहिएगा आप। अभी 33 उसको इधर लाइएगा तो आप कहिएगा कि 40x-33x बराबर हो जाएगा 11000-4000। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे 40 में से 33 जाएगा, आप कहिएगा 7x=7000 यानी कि x बराबर आप कह दीजिएगा 1000। अब यहाँ पे गौर करिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये 40 कहाँ से आया, ये 33 कहाँ से आया। अगर ये पता चल जाए तो कहीं ना कहीं मेरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 40 कहाँ से आया तो कहिएगा 8×5=40 किए और 33 11×3=33, यानी कहीं ना कहीं ऐसे आप किए हैं 11×5=40 11×3=33। तो ये पूरे को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, है ना। 3 से गुना का अंतर ये निकाल कर लिखा गया है 7x, क्लियर है। तो 8×5=40 में से 33 गया, क्या कह दीजिएगा भैया 7 बराबर किया गया है 11000-4000। 11000 कैसे आया तो कहोगे ए वाला से यहाँ गुना किया, ए वाला से यहाँ गुना किया, तो 11000-8×5=4000। तो उसको क्या करोगे, यहाँ पे कहाँ पे वो दिखाई दे रहा है गौर से आप देखिएगा, तो कहीं ना कहीं 11 से ऐसे 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 गुना किया, तो 11000 हुआ ना, 11×1000 11000, आई हो गया 8×5=40 4000। तो 11000 में से 4000 गया तो कहोगे 7000, तो कहीं ना कहीं यही 7 का वैल्यू 7000 जाओ लिखे हैं आप, 7x=7000, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 1000। अगर ए का वैल्यू 1000 आपको पता चल गया तो आपसे पूछा गया कि एक आय क्या है, तो आप कह देंगे एक का वैल्यू 1000, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। क्लियर है भैया? बी का आय क्या है 3000, यहाँ से उसी ढंग से निकाल सकते हैं। एक आय क्या है 5x यानी कि 5000, यानी आपको आज समझ में आ गया होगा कि वास्तव में यह जो हम तरीका अपनाते हैं कहाँ से अपनाते हैं, बेसिक से ही निकला हुआ ये कंसेप्ट है। तो फिर से एक बार इसको कंपेयर करके हम बना लेते हैं ताकि हमको भविष्य में दिक्कत ना हो। ये कहता है ए और बी के आय का अनुपात है 5:3, इसके आय में क्रमशः 500 रुपया का वृद्धि और इसके आय में क्रमशः 1000 रुपया का वृद्धि किया जाता है, तो यह हो जाता है 11:8। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ए का आय क्या है बी का आय क्या है, तो अब कुछ नहीं आपको सोचना है, क्या करना है 33 गुना का अंतर यानी 40 में से 33 गया कह देंगे 7 बराबर आपको करना है यहाँ पे ऐसे और ऐसे गुना करके अंतर। अंतर का मतलब समझिएगा भैया, दोनों प्लस में है तो अंतर घटा के, या तो दोनों माइनस में है तो अंतर घटा के, लेकिन एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो अंतर हम जोड़ के निकालेंगे, ये आप जानते होंगे। तो 11000 में से 4000 गया, बच गया भैया 7000, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1000। हमसे पूछा एक का आय क्या है तो कहेंगे 5000, कितना है 5000, कहो कैसे एक का वैल्यू 1000 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में भी समझने का प्रयास करिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लगाते हैं उसकी भी बात करेंगे। कहता है दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 8:3,
3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो यह अनुपात हो जाता है 2:1। देखो इसको बनाने के लिए तो बहुत सिंपल तरीका है कि दूध कांस्टेंट है, दूध को बराबर कर लें या मान निकाल लें, लेकिन ये तरीका हमने सीखा या फिर इसी तरीका से इसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। दूध में कुछ नहीं मिलाया गया, मान लो कि यहाँ पे 0 लीटर दूध मिलाया गया। अब हल कर दो, 8 एकम 8 3 दूनी 6 तो 8 में से 6 गया, एक बच जाएगा 2। 2 का वैल्यू कितना होगा तो कहोगे 6 - 0 यानी कि 6, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 3 लीटर। 1 का वैल्यू 3 लीटर। हमसे पूछा मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, दूध का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू अगर 3 आया तो 8 का वैल्यू 8 = 24 लीटर। बात आई समझ में या नहीं आई? बस ऐसे बना लोगे। ऐसे इसको बनाने का तो कई तरीका है ना, जो आपको बताए भी हैं। आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कहता है 6 वर्ष पूर्व सुधा और सुरेश, देखो एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये, एज प्रॉब्लम का बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, लगभग बार आ ही जाता है। कहता 6 वर्ष पूर्व सुधा और सुरेश के उम्रों का अनुपात है 6:5 था, 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात हो जाएगा 11:10, तो सुरेश का वर्तमान आयु क्या है? कुछ नहीं करना है आपको भैया, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि फासला कितना का है। तो ये है 6 वर्ष पहले की बात, ये है 4 वर्ष बाद की बात। फासला 6 × 4 = 10 का हो गया, यानी यहाँ पे भी 10 का फासला, यहाँ पे भी 10 का फासला। अब आप बना डालिए जैसे आप बनाते हैं, क्या करेगा फिर से गुना का अंतर, तो 60 में से 55 गया, कहिएगा अनुपातिक 5 का वैल्यू क्या कहिएगा भैया? अब इसको ऐसे गुना करिएगा, इसको ऐसे गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 110 में से 100 गया 10, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। 1 का वैल्यू 2, हमसे पूछा गया है कि सुरेश का उम्र क्या है, वर्तमान नहीं। तो 1 का वैल्यू अगर 2 है तो 5 का वैल्यू 5 × 2 कितना हो जाएगा भैया 10 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष कब का निकलेगा तो कहोगे 6 वर्ष पूर्व का, यानी 6 वर्ष पूर्व सुरेश 10 वर्ष का था, तो आज के वर्ष का होगा तो 6 वर्ष और बढ़ा दो ना, यानी 16 वर्ष का हो जाएगा। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब अगर लाभ हानि की प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो तो वहाँ पे इसका यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पे गौर से समझिएगा। पहले तो ये आप जानते ही होंगे, ये तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसका नॉलेज आपका होगा। अगर इसको आप तोड़िएगा तो 11 - 99 = 100/9% होगा, नहीं भैया। अब इसको हल करिएगा तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 1/9, यानी 9 रुपया का सामान 1 रुपया लाभ पर बेचा, यानी इसको अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि 9 रुपया का सामान था जिसको 1 रुपया लाभ पर यानी 10 रुपया में बेचा, ऐसे आप समझ। क्रय मूल्य 1300 रुपया तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपया कम हो जाए, यानी क्रय मूल्य जो है 1300 रुपया कम हो जाए, यही कह रहा है ना, तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपया कम हो जाए। विक्रय मूल्य भैया कहता है 3000 रुपया कम हो जाए तो 9.1% की हानि हो जाती है, यानी 1/11 की हानि हो जाती है, यानी क्रय मूल्य 11 तब विक्रय मूल्य आपका 10 हो जाती है। इसका कहने का मतलब यह है नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 11 रुपया में 1 रुपया का हानि हो जाती है, यानी कि 11 का सामान 10 में बेचता है, यानी कि 11 रुपया क्रय मूल्य तो 10 रुपया विक्रय मूल्य हो जाती है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, पहले जैसा ही बन गया, बिल्कुल आप बना सकते हैं इसको। आप फिर से गुना करके ऐसे करिएगा तो 90, ऐसे करिएगा तो 110, यानी हो गया अनुपातिक 20। नहीं देखो ना, 90 और 110 में से 90 गया, कितना बचा 20। अब यहाँ पे ऐसे करिए, तिर से ए वाला को इससे गुना, ए वाला को इससे गुना, अगर हटा दीजिए तो 11 + 33, ये हो गया आपका 33000। और यहाँ पे ऐसे करिएगा तो हो जाएगा 13000। 33000 में से 13000 को माइनस करिएगा, आपका आ जाएगा 20000, यानी अनुपातिक 20 का वैल्यू हो जाएगा 20000, है ना। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए या अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, 20 का वैल्यू 20000, तो 1 का वैल्यू क्या कहोगे भैया 1000। 1 का वैल्यू 1000, हमसे पूछा कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 9 है, क्रय मूल्य 9 है तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1000 तो 9 का वैल्यू 9000, यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा 9000, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि ये कंसेप्ट जो है कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस की बात करें या एज प्रॉब्लम की बात करें या रेशियो की बात करें या फिर ये अंतर समान हो या ना हो, ये वृद्धि हो ये कमी हो या फिर दोनों कमी हो या दोनों वृद्धि हो, किसी भी स्थिति में हमें कोई कंडीशन याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बेसिक तरीका से निकला हुआ कंसेप्ट है जिसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अतः यही देने के लिए आपके हम भी आए हैं। अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेकन का आइकन भी दबा लीजिएगा। ओके, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसी तरह के शॉर्ट वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके।